सो लेट अस स्टार्ट विथ IMG टैग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। वेब पेज में हम लोग कैसे इमेज को इंसर्ट करेंगे एंड व्हाट टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। फॉर इंसर्टिंग एन वेब पेज इन एन HTML वी हैव टू यूज IMG टैग। क्या लिखा है? इन HTML इमेजेस आर इंसर्टेड यूजिंग IMG टैग। IMG टैग का यूज करके हम लोग इमेजेस इंसर्ट करते हैं। द सेकंड वन इज द IMG टैग इज एन एम्प्टी टैग। IMG टैग कैसा टैग होता है? एम्प्टी टैग होता है। हम लोग पढ़े थे इन द प्रीवियस क्लास दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग। वन इज कंटेनर टैग, अनदर वन इज एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग इज व्हाट व्हिच कंटेन बोथ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, एंड एम्प्टी टैग इज व्हाट व्हिच कंटेन ओनली ओपनिंग टैग। देयर इज नो एम्प्टी टैग, इट हैज नो कंटेंट एंड देयरफॉर डज नॉट नीड ए क्लोजिंग टैग। व्हेन एनी वेब पेज इज क्रिएटेड इट इज सेव्ड विद एज फाइल इन HTML। जब भी हम लोग कोई वेब पेज को क्रिएट करेंगे तो इसको उस इमेज फाइल को उस इमेज के उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर सेव करेंगे, उस फोल्डर के अंदर सेव रखते हैं। एनी इमेज विच इज इंसर्टेड इन ए वेब पेज इज ऑल्सो सेव्ड एज सेपरेट फाइल। और कोई इमेज जिसको इंसर्ट करना है वेब पेज में तो उसको भी उस सेपरेट फाइल के अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। द वेबसाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल वेब पेजेस इज अपलोडेड ऑन द वेब सर्वर। वेबसाइट जिसको हम लोग बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के बनाते हैं वो कहाँ अपलोड होता है? वेब सर्वर। यानी वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑल द वेबसाइट्स। और वेबसाइट्स में क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ वेब पेजेस। द इमेजेस ऑफ द वेब पेज आर अपलोडेड इन ए सेपरेट फाइल। जो भी इमेज होता है वेब पेज का उसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट फाइल में स्टोर करते हैं। दैट इज लोडेड इन टू द स्पेस क्रिएटेड बाई द IMG एलिमेंट। वो कहाँ लोड होता है? दैट इज लोडेड इन टू द स्पेस क्रिएटेड बाई द IMG एलिमेंट। मतलब IMG एलिमेंट बोले या IMG टैग से जो हम लोग यूज करके इमेज को इंसर्ट करते हैं वही स्पेस क्रिएट करके हमको देता है टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर इमेज इन अ वेब पेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमेज फाइल्स विच कैन बी यूज इन HTML। तीन तरह का इमेज फाइल जो है हम लोग HTML में यूज करते हैं, इंडिकेटेड बाई डिफरेंट फाइल नेम एक्सटेंशन लाइक .jpg, .gif एंड .png। दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फाइल। ठीक है, इमेज का जो है तीन एक्सटेंशन वाला फाइल होता है, एक .jpg, .gif एंड .png। ये तीन फाइल फॉर्मेट ही हम लोग इमेजेस में इंसर्ट करते हैं HTML में। ठीक है, यहाँ कुछ दिया, फाइंड आउट द वेरियस एक्सटेंशंस यूज्ड टू सेव इमेजेस एज इमेज फाइल्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम और द यूनिक फीचर्स ऑफ दीज फाइल्स। तो एक्सटेंशंस लिखना है, जैसे .jpg का उसमें क्या फीचर्स होता है, .gif का क्या फीचर्स है, .png का क्या फीचर्स है, ये हम आप लोग को लिखवा देंगे। अगर आप लोग का हो सकता है तो खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, गेटिंग एवरीवन, समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes, sir. हम लोग क्या yes, सीखे कि अगर हमको इमेज इंसर्ट करना है तो IMG टैग का हम लोगों को यूज करना होगा। नेक्स्ट है, द IMG एलिमेंट हैज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। IMG एलिमेंट का नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC। SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, अंडरलाइन कर लो बुक में, द लोकेशन और पाथ ऑफ द इमेज फाइल्स टू बी इंसर्टेड ऑन द वेब पेज। SRC क्या होता है, दैट कंटेन द सोर्स। मतलब इमेज आपका कहाँ पर स्टोर है, किस, जैसे आपका इमेज डी ड्राइव में स्पोर्ट्स नाम का फोल्डर के अंदर, वो लोकेशन हम लोग SRC के अंदर देते हैं। पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा उसका, URL, alt text। देखो कभी कभी होता है इमेज हमको नहीं मिलता है तो वहां पे हमको क्या करना होगा, एक मैसेज प्रोवाइड करना होगा कि इमेज कांट बी फाइंड, इमेज हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस वी हैव टू पुट टेक्स्ट, सम टेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इमेज सर्च करते हैं लेकिन वो इमेज हम लोगों को नहीं मिलता है, तो इन दैट केस हम लोगों को क्या करने पड़ता है, क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास वी हैव अल्ट एट्रीब्यूट, वहां पे हम लोग लिख देंगे। कैसे करेंगे अभी देखो, सब समझ जाएगा, प्रैक्टिकल करेंगे। तो द SRC और सोर्स एट्रीब्यूट अंडरलाइन करो, ये हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। SRC क्या होता है, इट इज द सोर्स एट्रीब्यूट दैट टेल्स द ब्राउजर विच इमेज इज टू बी डिस्प्लेड एंड वेयर टू फाइंड इट। SRC क्या होता है, एक सोर्स एट्रीब्यूट है जो बताता है ब्राउजर को कि इमेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा और वेयर टू फाइंड इट, और उसको कहाँ खोजना है।
सबको समझ में है? SRC क्या होता है? सोर्स एट्रीब्यूट होता है जो ब्राउजर, चाहे वो मोजिला हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, है ना, वो इमेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा और कहाँ उसको खोजेंगे हम, ये सारा कुछ कहाँ रहता है? SRC एट्रीब्यूट। द HTML कोड गिवन बिलो कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट द इमेज ऑन द वेब पेज। देखो अब ये HTML का दिया हुआ है कोडिंग, अब हम लोग चलो इसको करके देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट HTML, सॉरी फर्स्ट नहीं, हम लोग पहला IMG टैग का यूज करके करते हैं, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे HTML, साइज छोटा है क्या? यस सर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं साइज, है ना? ठीक है इतना, क्या और बड़ा करें? सर ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे HTML, देन हेड, देन टाइटल, जैसे लिखते हैं, ठीक है? इमेजेस, इमेजेस इन HTML हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग टाइटल में दे दिए इमेजेस इन HTML, सॉरी टाइटल होगा ना, टाइटल हो गया। देन हेड क्लोज करेंगे, HEAD हेड लिख दिए, हेड क्लोज हो गया। हेड क्लोज होने के बाद क्या करते हैं बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे? बॉडी लिखेंगे, बॉडी लिख लिए। बॉडी में कुछ करना चाहते हो तो दे दो BG कलर इक्वल टू कौन सा कलर दोगे? रेड दे दो, रेड दे दिए BG कलर, मेरा मन किया रेड दे दिए हम लोग। बॉडी BG कलर रेड, नाउ BG कलर हमने रेड कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है? इमेज इंसर्ट करना है। तो इमेज के लिए IMG टैग यूज करेंगे हम लोग, जो हम लोग को बुक में बताया है। उसके बाद SRC एट्रीब्यूट क्या बताएगा? लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब URL, हमको क्या लिखना होगा? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि आपके घर से स्कूल का एक क्या होता है? एड्रेस होता है, लोकेशन। कोई अगर मुनीडी जाएगा, अगर मैं अगर बैंक मोड़ में रहता हूँ तो मुझे केंदुआ पुटकी होते हुए शास्त्री नगर होते हुए हम स्कूल पहुंचेंगे, है ना? तो ये मेरा क्या हुआ? URL हुआ, लोकेशन हुआ। उसी तरह इमेज का भी क्या होता है? लोकेशन होता है कि आपने उसको कहाँ स्टोर करके रखा है। तो सपोज मान लिया मेरे पास जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे रखा, ये देखो अटैचमेंट, ठीक है, इस अटैचमेंट में रखा। इसका अगर हमको URL जानना है तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे इस इमेज को और ओपन विथ में जाएंगे और इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे, ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे तो ये देखो, ये इसका लोकेशन हुआ URL, है ना? ठीक है, यहाँ पे आप इसका लोकेशन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है? वी कैन कॉपी द लोकेशन, कॉपी कर लिए लोकेशन को। लोकेशन को कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको नोटपैड में जाएंगे और ये जो URL लिखे यहाँ पे इस लोकेशन को पेस्ट कर देंगे कि कहाँ पे है। तो सी ड्राइव में यूजर में आसिफ खान डाउनलोड्स ओल्ड अटैचमेंट, इसके अंदर ये फाइल है। फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .jpg है। फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .jpg है, है ना? फिर इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? HTML को क्लोज कर देंगे। ये HTML क्लोज कर दिया। इसके अलावा हम लोगों को और क्या एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पे IMG SRC के साथ एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है। यहाँ पे पेज नंबर आप आइएगा अगर 79 में, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर हाइट और विड्थ दिया हुआ है ना। तो बॉर्डर हाइट और विड्थ भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज में गए, डेस्कटॉप पे हम इसको क्लास 8.html से सेव कर दिए। यहाँ सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं। इसको मिनिमाइज किए, ये सब क्लोज कर दो, पुराना वाला जितना है क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे आओ और ये देखो क्लास 8 दिख रहा है सबको डेस्कटॉप पे मेरे। राइट क्लिक, ओपन विथ,
और गूगल क्रोम हमने ओपन